Yo, my name is Log. बोलता ना तो गाइस, आज लॉगिन ने मेरे को खतरनाक वाला चैलेंज देकर रखा हुआ है एंड इन द रिटर्न मैं भी इसको खतरनाक वाला चैलेंज दूंगा। आज तेरे लिए लॉगिन खतरनाक वाला चैलेंज है। ओके, तेरे को खाना ए से लेके जेड तक सारे खाने, तो मतलब कि ए बी सी जितने भी लेटर आएंगे ना बीच में, तेरे को हर एक लेटर में कुछ ना कुछ खाना है। अरे भाई, इससे तो बिल्कुल नखरे भी नहीं किए, एकदम से रेडी हो चुका है। देखिए, मेरे को चेक कर रहा है कि कितना ज्यादा खा पाएगा ये। कम ऑन, जो चैलेंज स्टार्ट्स ना। ओके गाइस, चैलेंज तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और सबसे पहला लेटर आता है लेटर ए। तो अगर मैं फ्रिज खोल के चेक करके देखूं, अरे ये देखो चपाती भाई, एप्पल मुझे मिला, तो ये रही सबसे पहली आइटम। ये तो कुछ ज्यादा ही इजी हो रहा है यार। और ये ए कंप्लीट, ऑनेस्टली मजा ही आ गया। भाई साहब, टेबल के ऊपर भाई मुझे बड़ी खतरनाक चीज दिखी है। ये को ये नाश्ता है, मतलब ये एन से होगा, ठीक है। अरे ये ब्रेकफास्ट है। अरे कोई बात नहीं, अगर ये काउंट नहीं होता तो साइड में बीन्स है, अंदर ब्रेड पड़ा है, अगर सी की तरफ देखे तो सी में पड़े हैं चिकन स्लाइसेस, और रूल के मुताबिक मुझे ऑब्वियसली खाना भी है, सबसे पहले बीन्स आएंगे, तो बीफ और बीन्स भी हो गए इसके। मैं बहुत चालू बंदा निकला यार ये। देखो हल्का सा चिकन। चल अभी मेरे को ये बता कि तू डी से क्या करेगा, क्योंकि भैंस की यहाँ पे डी से कुछ भी नहीं है। अरे यार, ये बात तो सही है यार, डी से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डी से यहाँ पर कौन सी चीज पड़ी हुई है? डी से अगर मैं साइड में देखू तो, अरे डी से गाइस मुझे दूध यहाँ पर मिल चुका है, लेट्स गो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हल्का सा दूध यहाँ पे पी लूं तो लेटर डी भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे नाश्ते में एग्स भी है तो हमारा ई वाला लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। डी से दूध, चलो डालो क्लास में, ये लो। ई फॉर एग्स भी इसकी आ जाएगी भाई, ये भी मैंने सोचा था। प्लानिंग करके रखी है इसने खतरनाक वाली। टेस्ट ऑफ सक्सेस। और जैसे चपाती भाई ने बोला था, अभी आएगा E for egg, ये रहा। Oh my God! तो पांच लेटर्स हमारे हो चुके हैं, लेकिन गाइस आज मुझे पता है मुझे बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं। ये गया, ये गया। भाई अभी मैं करूंगा थोड़ी सी एक्सरसाइजिंग। वो चालू है यार, वो चालू है। मैं क्यों फॉलो करूं, तू जा जरा चक्कर काट, चक्कर काट, घूमी घूमी कर ले, घूमी घूमी। ये तीन चक्कर ऑलरेडी काट चुके हैं, वो देखो चौथा काटने आ चुका है। गाइस मैं इसी घर के चक्कर लगा रहा हूं। चपाती बाप तो यहीं पर ही बैठे हो भाई, तेरे को कैलोरीज कम करनी, मेरे को थोड़ी करनी है। ये बंदा भी एक्चुअली फंस चुका है, इसको पता नहीं कि एफ से क्या खाना है। चपाती भाई, एफ से कुछ है क्या यहाँ पे? अरे बताओ ना भाई, मुझे क्लू दो थोड़ा सा। फिश, ओह ये निकालो निकालो निकालो, ये वाली फिश तो यार मैंने फ्रिज में देखी नहीं। एक काम करते हैं, अभी इसका एक बाइट ले लेते हैं। अगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो मछली होती है पैकेज वाली, ये एक्चुअली रेडी टू ईट है। तो चपाती भाई खोल दो और सिर्फ थोड़ी सी मुझे काट के देना। तेरी क्या कर रहे हो? ओ भाई, और मुझे पता है इस बार मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। काम करते हैं, मस्त वाला सैंडविच बना के मैं ले चलता हूँ साथ में। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर प्लेट, ये रहा हमारा ब्रेड, और मैं चेक कर लेता हूँ कि सैंडविच के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ। यहाँ पे चिकन के स्लाइसेस पड़े हुए हैं, ये मैं उठा लेता हूँ। ये चिकन है, ये ब्रेड है, बाकी जी से कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो कर क्या रहा है पहले मेरे को ये समझा। भाई मैं स्पेक्टिकली सोच रहा हूँ, मुझे पता है बार आप मुझे कुछ भी नहीं देने वाले, तो ये एस के तौर पर मैं ऑलरेडी ये सैंडविच रेडी रख रहा हूँ अपने लिए। टूट गया यार, अब टूट गया यहाँ से। ओके, देयर वी गो, इसको लगाओ ऐसे यहाँ पर और सैंडविच कंप्लीट। भाई साहब लग तो बहुत मस्त रहा है यार। मस्त है ना? और थोड़ा सा यहाँ पर गाइस हेल्थी ऑप्शन के लिए मैं यहाँ से थोड़ा बहुत लेटर भी उठा लेता हूँ। धो धो धो, इसको मुझे सारा ऐसे धोना है अभी। भाई साहब, कुत्ते तो सैंडविच एक्सपर्ट निकला यार। गोर्डन रैमसी वाला सैंडविच है, गोर्डन रैमसी देख रहा तू? अरे यार गाइस, मैं मेन चीज तो भूल ही गया यार, पेपरोनी मैं भूल गया यार। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इसको ऐसे हल्का सा खोल दूं तो मैं इसके अंदर पेपरोनी भी डाल सकता हूँ। गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ अभी। गाइस ऑनेस्टली पता नहीं है चपाती भाई हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम बहुत बस कर रहे हैं, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है, और अगला लेटर आता है हमारा लेटर जी। अरे 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 भाई, चपाती भाई तो गाइस मुझे सुपर स्टोर में लेकर आ चुके हैं। आपको पता है ना यहाँ से मुझे कितनी ज्यादा खाने की आइटम्स मिल सकती हैं, वो भी अलग अलग लेटर्स की, और हम यहाँ पे आ ही चुके हैं। तो एक काम करते हैं, जितने लेटर्स मुझे मिल रहे हैं मैं सारे उठा लेता हूँ। तो ये गाइस हेच है, क्योंकि इसके ऊपर हनी भी लगी हुई है। शॉप के अंदर तो आ चुके हैं, अभी मुझे यहाँ से उठानी है जी वाली आइटम। अरे गाइस, हमें अचार तो यहाँ पर ऑब्वियसली घर के लिए चाहिए, और आई थिंक अचार है, तूने खुद बोला अचार, मतलब कि ए से होता है ये। देखो भाई, स्पेनिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जी से स्टार्ट होता है। चलो रख दो भाई ट्रॉली में। भाई तूने खुद ऐसे बोला, ए से अचार होता है, ये जी से है ग्रैंडेस। तो शॉप से गाइस हमने खाना वगैरह तो सब ले लिया है, और अभी हमने गाइस यहाँ पर एक हल्का सा स्टॉप लिया है। ये है जी पे, जी पे क्या था अचार, जी पे वो खतरनाक अचार था यार, खट्टे वाला। कम
कौन है लॉगी मेरे को एक्चुअली देखने के कैसे खाए गए खतरनाक वाला अचार। आज मुझे पता ही नहीं है जी के बाद क्या आता है। जी के बाद जी एच 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 पे क्या था। अरे तो भाई वो स्वीट हनी वाली चीज थी। पहले अचार से इसका मुंह खराब होगा फिर हनी वाली आइटम खा के मुंह ठीक करेगा। फ्लेवर ब्रो अभी खोल के देखा, ये बोतल कभी किसी से खुलती नहीं है। खोल के देखा, चल गाड़ी गंदी ना हो जाए। एक मिनट मैं यहाँ पे रखता हूं। ये गाड़ी गंदी ना हो जाए और कहाँ खोल रहा है गाड़ी के अंदर चोमू बंदा। भाई बहुत ज्यादा टाइट है। आज आपकी जमात आने वाली है भाई। आज हम जाने। अभी बोलने वाला था की आपका जिम अभी गया। चॉकलेट यार ये मुझे नहीं खाना यार, छोटे वाला मुझे चाहिए। ये वाला सही लग रहा है। कटक जा कैसे खा रहा है। पूरा खाना पड़ेगा। गटक ले यार गटक। ये भी खाना। सब्सक्राइब बनता है। ये भी खाना तेरे को, जल्दी कर। और इतना बस रहा। और ये रही हमारी हनी वाली आइटम। चपाती भाई निकालना इसको। वो निकालना तेरा वो चैलेंज है। भाई कहां पर आया। तो ये है हनी वाली आइटम जो कि शुरू होती है हेज से। ये सही प्लानिंग करके रखी है इसने। पता लगा ना। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं स्पेन के शॉपिंग मॉल में। देख रहे हो यार कितना ज्यादा कूल लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट में हम आ गए। यहाँ पर मुझे ऑल्सो ढूंढना है कि मैं लेटर आई का क्या यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। यार मैं कब से यहाँ पर गाइस दुकान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर तो वेट हैंग होना मैंने। अरे भाई साहब यहाँ पर तो आइसक्रीम की शॉप है। आइसक्रीम हाँ वही तो। चलो लेते हैं। कितने सारे फ्लेवर है यार। कौन सा दिखाएगा तू। ये ग्रीन वाली दूंगा। ये पागल बंदा। तो आई का फंडा भी एकदम से शॉर्ट हो चुका है। आइयो भाई इसको खा। मिंट वाली ले रहा है। ये कैसी है। वाकई बहुत मस्त है यार। अभी आ चुका है यहाँ पे मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स में एम होता है ठीक है। तेरे को नेक्स्ट वाला लेना जे से। अरे भाई मैं जे वाली आइटम अंदर जाके ढूंढूंगा। जे से जूस आ चुका है यहाँ पे। कहाँ पे जूस। अच्छा आइटम लिखा हुआ जूस। चलो अभी आप चूज करो कौन सा लेना चाहिए। मैं क्या चूज करूँ भाई। तो इसका नेक्स्ट लेटर था जे। जे पे क्या लिखा है जूस। तो हिला के पियेंगे हम। हाँ इसकी तरह मैं पूरा हिलाता हूँ। तो ले जे भी तरह सेट हो चुका है यहाँ पर। पूरा जूस साथ में चिप्स साथ में ये ड्रिंक और साथ में इसके अंदर पता नहीं चिकन वाली चीजें हैं वो भी खा रहा है ये। मैकडॉनल्ड्स में से आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे मिले हैं चार पोकेमोन के कार्ड। तो ये है नंबर 1 वाला 2 3 4। पता नहीं इसकी क्या वैल्यू हमको नहीं पता। तो एक ही शॉपिंग मॉल में आई थिंक मैंने 2-3 लेटर आराम से साफ कर लिए है। और मैंने मैकडॉनल्ड्स भी यहाँ पर साफ कर लिया लेकिन मैंने वहाँ से एक स्पेशल चीज उठा के रखी है। ये मुझे बाद में काम आएगी। भाई मैकडॉनल्ड्स से तो माई मैंने जूस तो ले लिया और अगला लेटर आता है के। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है के से हम कौन सी चीज ले सकते हैं लेकिन दिमाग में पता लग चुका है। लेकिन पीछे शॉप बनी हुई है आज उसमें चलते हैं। शॉप तो हमारी आ चुकी है और गाइस मैंने अभी सोच के रखा कि कैसे आता है किटकैट। चपाती बात की फेवरेट चॉकलेट। आराम से तेरे को 15 साल लगे किटकैट ढूंढने में। इतनी मोटी दुकान है यार। इवेंचुअली करते करते तेरे को यू भी मिलेगा। ये देख यू। ये बिल्लियों का खाना मुझे नहीं चाहिए। अरे ये रही पूरा पैक है भाई किटकैट का। इतनी बेचते पूरा पैक मेरे को लेना पड़ेगा यार। देखो पूरा पैक है। तो गाइस मैंने सोच के रखा है कि किटकैट छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी है और किटकैट तो गाइस हम हमेशा खाते रहते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाली ड्रिंक ले लूँ। ये भी कैसे शुरू होती है और कुछ नया भी हो जाएगा। गिरा ना दियो मेरे ऊपर ऐसे निकल जाती है बाहर। इंसानों वाला काम तो बहुत दूर है। ध्यान से खोल। पिंक वाली ड्रिंक है। YYP सही है क्या। तो ये तेरा के भी सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद के बाद क्या आता है यार। मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कि लेटर एल से मैं क्या खा सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम गाइस यहाँ पर रुके हैं एक जगह के अंदर और भाई कितनी खतरनाक जगह है यार। ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि माउंट चिली हट के ऊपर खड़े हैं। खतरनाक लग रहा है ना। कहाँ पर। ओ ये वो देखो ऊपर एलियन वाली जगह बनी हुई है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या है भाई। ये कबूतर देखते हैं क्या है यहाँ पे। मैंने बोल के रखा था कि यहाँ पर ये जो है देखने लायक जगह है। अच्छा ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे लेकिन पीछे वैसे यार व्यू के बारे में बात करें तो बहुत मस्त है भाई। लेजेंड कहता है कि सामने भाई यहाँ पर सोने का टेंपल बना हुआ है यहाँ पे। मैंने सोचा था यहाँ पर भाई यहाँ पर कुछ मस्त वाली साइट सीइंग होगी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई। यहाँ पर चिड़ियों का साइन लगा है वो भी नहीं है। चिड़िया भी नहीं है यहाँ पे। क्या कर रहे हो भाई ढंग से गाड़ी चला लो। रोड आपकी फोन नीचे गिर जाएगी। तो बहुत बड़ी शॉप यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से मुझे एल से कोई आइटम ढूंढनी है। यहाँ से मुझे ढूंढनी है लेमन से कोई चीज। अरे अरे चपाती भाई ये देखो मुझे क्या मिला। लेमन वाला फैंटा। ये फैंटा ठीक है। ये ऐसी होता है ठीक है। ये लारी मत कर। ये लेमन फैंटा है भाई। ये लेमोनेड नहीं है। ये कैसा ट्रोल है। इसका मतलब ये कि यहाँ से मुझे कोई लेमन वाली चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी गाइस मुझे एल से एक लेमन वाली आइटम ढूंढनी है। मैं सोच रहा हूँ कि लेमन वाली ड्रिंक एकदम से मस्त होगी और चपाती भाई को पसंद है यहाँ पर लेमनेड। और यहाँ पर मुझे ये देखो मुझे मिला लेमन वाली कोका कोला। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सी से आता है ये लेकिन यहाँ पर एल भी लिखा हुआ है तो मेरे को पता नहीं क्या करना है इसका। बाकी तेरी मर्जी है ठीक है भाई। आई थिंक ये अलाउड है गाइस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना लेकिन मैं तो यही पीऊंगा। और अभी हम फाइनली आ चुके हैं घर पे और गाइस जो भी आइटम्स मैंने यहाँ पर खरीद के रखी है अभी मुझे सारी एकदम से खानी है। एक्चुअली ना घर के अंदर आके एक्चुअली फंस चुका क्योंकि अगर बाहर होते ना तो दुकान के अंदर जाके अपने सामान ले सकता था। घर के अंदर क्या करेगा भाई। तू गया तेरा चैलेंज गया। ओके सही है लेकिन
इसका भी इंतजाम करके रखा है। कुछ नहीं इंतजाम भाई, कुछ भी नहीं बना घर के अंदर, कुछ खा चुका ये। फिलहाल हमें लेटर एल पे। ऐसे यार मुझे जानना है कि कोका कोला लेमन वाली अच्छी होगी भी या नहीं। इसको खोलते हैं, लिटरली लेमन वाली स्मेल आ रही है भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी है ये। बहुत नाइस है ना। ओके जरा, अभी एल तो एक सोर्ट हो चुका है, एल एम से कुछ है ही नहीं। सबका इंतजाम करके रखा है। आज मेरे पीछे क्या करने वाला फ्रिज में से? तो हम खोलेंगे फ्रिज। ये देखो मेरे हाथ में क्या लग चुका है। ये क्या मिर्ची? एम फॉर मिर्ची भाई साहब, टॉची काम कर रहा है यार ये तो। तो इसको मुझे ऐसे थोड़ा सा यहाँ से काटना है, ऐसे चिकन रैप खाएंगे। ये मिर्ची रैप है भाई। लेकिन ये सब तो ठीक है, मेरे को एक चीज पता करनी है, क्यू से क्या खाएगा? क्यू से कुछ नहीं होता दुनिया में, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। एम भी हो गया, अभी आ रहा है एन। भाई इसका भी इंतजाम करके रखा है। अभी क्या पैकेट याद है ना आपको? अरे मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स, अरे यार यार बहुत तेज है यार ये तो। एम भी इसका हो गया। अभी तेरे पास ओ के लिए कुछ नहीं है? ओ क्रैप, ओ तेरी, ओ हो फंस गया तू भाई। अब ये नहीं बोलना कि तेरे पास ओ से भी जुगाड़ है भाई। मेरे पास हर एक चीज का जुगाड़ है। क्या है? ये देखो, डबल फ्लेवर है, डबल रंग वाले ओरियोस हैं। क्या बात कर रहा है। तो ये है कैरामेल और वनीला, दोनों मार गया भाई। तो डब गया ये टुकड़ा चक्कर के यहाँ से। मेरे को लगता है कि एक एक चीज से कागज के ऊपर लिखी हुई है। अभी कहाँ जा रहा है? अरे भाई अभी मुझे अपना अगला लेटर करना है। अगला तेरा लेटर है पी भाई। पी से भी मेरे पास आइटम है बहुत मस्त वाली। क्या है ऐसा फ्रिज के अंदर? जो ऐसा कौन सा चमत्कारी फ्रिज है भैंस की जो खोल रहा निकल रहा है वहां से? एक गिलास वाली बची है यार, वो भी बहुत तीखी होती है यार। क्यू से कुछ नहीं है भाई, क्यू से सिर्फ एक ही चीज है और वो है कीमा। कीमा यहाँ पर नहीं है। क्यू से क्या करूंगा यार? आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, फंस गया। अरे नहीं फंसे हैं भाई, आ जाओ, मैं बाहर से और ज्यादा चीजें लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिप्स का पैकेट मुझे यहाँ से खोलना है, और क्रिप्स के पैकेट के ऊपर ये देखो क्या लिखा है, क्यू से स्टार्टिंग हो रहा है ये वाला। ये स्पेनिश वर्ल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर खड़े खड़े अभी कौन सा लेटर आता है इसके बाद? आर। आर भाई, आर का ये देखो, आर का एस एल ई में है। इसके अंदर डोनट पड़ा हुआ भाई, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ भाई। डोनट नहीं है इसके अंदर पड़ा है, आ जाओ निकल जा, रिंग वाला डोनट ये मुझे सारा अभी नहीं खाना है, बचा के भी रख ला नेक्स्ट चैलेंज के लिए। ये मैं बाद में चाय के साथ खाऊंगा। भाई कहाँ पर जा रहा है? आज तो कुछ भी नहीं है। अरे यार जो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप कुछ भूल रहे हो। क्या है गाड़ी के अंदर? भाई मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, मैं ड्राइव करके बाहर नहीं जाऊंगा। छोटी सी थैली आपको याद है ना? लेकिन अगर मैं सोचूं तो सैंडविच तो होता है एस से। अरे यार अंदर आओ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक सैंडविच से मैं पांच लेटर कैसे खत्म करता हूं। मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं भाई, ट्रोल कर रहा हूं यहां पर। अगर मैं यहां पर ट्रोल हुआ ना तो मैंने तेरा भूता तोड़ देना यहां। अरे टेंशन मत करो। तो हम सबसे पहले खोलेंगे यहां पर पानी की बोतल, काम करते हैं ऐसे आराम आराम से मुझे डालना है भाई। प्लीज ये ट्राई मत करना, पता नहीं क्या करने वाला ये। तो मुझे हल्का सा ऐसे ब्रेड के ऊपर डाल। ओ ब्रेड, ये रोटी बन गई। अच्छा अच्छा, मैंने इसको ऑर्डर दे दिया यार भाई साहब। ओके, और आर के बाद आता है एस, ये है सैंडविच। एस के बाद आता है टी, हम ये यूज करेंगे टोमेटो काचो। भाई एक ही बार में तीन तीन ले गया यार ये। बता रहा था ना, तो मुझे हल्की हल्की सी इसके ऊपर टोमेटो केचप निकल जा। देयर वी गो, ये हल्की थी। सैंडविच का नाम हम रखेंगे दी अंडर एस्टिमेटेड बर्गर सैंडविच। तो ये यू भी हो गया। व्हाट? और अभी मुझे इसको खाना पड़ेगा यार। चल खा इसको। Underestimated burger sandwich, भाई। अरे मारे जा रहा यार ये। गंदे रैबिट का ट्रोल कर रहा है भाई। ये चीजें तो भैंस के लिए इसमें थी ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए ना तो चैलेंज की बता देगा, एकदम से सारी चीजें सही सही खा रहा है। और ये देखो पूरा किचन उठा के लेके आ गया भाई ये तो। ये क्या लेके आ गया भाई? भाई अभी मैं सारी आइटम्स लेकर आऊंगा, एक ही बार में गेम खत्म। ट्रोलिंग कर रहा है क्या? ये मेरी थी भाई, मैं अपने लिए लेके आया था। ये अंदर ढेर सारी पड़ी है भाई, तुम टेंशन लेते हो। यहाँ सारा अपना सामान घटक रहा है यार ये। इसको खोलो ऐसे और
पूरी हार्ड हो चुकी है यार ये वी तेरा वी भी गया रॉक सॉलिड हो चुकी है कम ऑन मैन डब्ल्यू से क्या आएगा फिर बता ओ ये तो मैं भूल गया था ओके ये ठीक है डब्ल्यू एक्स ओ एक्स में कुछ भी नहीं है धनिया के अंदर भाई ये सब मिला कि मैं एक्स वाली ड्रिंक बनाऊंगा चल तो सबसे पहले ड्रिंक के लिए हम पानी के अंदर निचोड़ेंगे ऐसे थोड़ा सा नींबू ये बन गया लेमनेड हाँ ये बन गया लेमनेड अभी भाई टेंशन मत करो इसके बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मिक्स करना पड़ेगा इसका अच्छा डाल रहा भाई साहब ये फिर से निकल रहा है ये मैं नहीं खोलने वाला तेरा चैलेंज है चल कोई बात नहीं भाई मेरे पास ये है ना जुगाड़ू का पानी के अंदर ये जाएगा ये बन क्या गया है भाई अभी ये बन चुकी है एक्स रे वाली ड्रिंक देख रहा हूं इसके अंदर आपको पार्टिकल दिख रहे हैं कंटेंट के नाम पे धोखा कर रहा है मेरे साथ ये अच्छी है क्या अच्छी है भाई एक्सरे वाली ड्रिंक बहुत ज्यादा मस्त है डोंट ट्राई दिस वन एट होम लेकिन इधर है भाई ये क्या लेके आ गया ये योगर्ट है ओ ये वाइफ ओ योगर्ट भाई ये तो मैं भूल गया था योगर्ट के बारे में ये एक्चुअली ऐसी वैसी योगर्ट नहीं है भाई ये फ्लेवर्ड योगर्ट है भाई साहब वाइफ ओ योगर्ट अभी जेड से क्या आएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जेड से गया 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 सुमो वाला ड्रिंक भाई यार और अभी मुझे हल्का सा ये ड्रिंक भी यहाँ पर डालना है और इसी के साथ ही मैंने ए टू जेड ईटिंग चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलते हैं टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय